आज मैं आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाऊंगी जब सेंटेंस ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि इससे पहले मैं आपके लिए 3 वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें असर्टिव और इंटरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस मैं आपके लिए बता चुकी हूँ। अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो ऑपरेटिव सेंटेंस जो है, तो सेंटेंस विच इंडिकेट्स विश, ब्लेसिंग, प्रेयर, कर्स, ग्रीटिंग एक्सेट्रा। ऑपरेटिव सेंटेंस वह होते हैं जिसमें इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, प्रार्थना या शाप या कोई भी अभिवादन का भाव प्रकट हो, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, मे यू बी हैप्पी। और इसमें अक्सर कर जो वाक्य होता है वो मे से ही स्टार्ट होता है और लास्ट में जो होता है ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है ये अवश्य होता है। कभी कभी क्या होता है कि मे जो है हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगी तो पीछे क्वेश्चन मार्क होगा तो वो वाक्य इंटरोगेटिव होगा। क्लियर है कि ऑपरेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि हाउ टू चेंज ऑपरेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले जो रूल्स वही है, थोड़ा सा चेंज रहता है। जैसे सबसे पहले हमें चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच मींस आरएस का जो भाव है उस सेंटेंस का, हमें ये देखना है कि इसका भाव क्या है। जैसे कभी कभी उसमें इच्छा होती है या शुभकामना होती है तो वहां पर हम सेट को विस्ट में चेंज करेंगे। उसी तरह से आशीर्वाद हो तो वहां पर हम किसको चेंज करेंगे, ब्लेस्ड में। प्रार्थना हो तो हम प्रेड में। प्रार्थना अक्सर कर ईश्वर से प्रार्थना, यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना का मीन्स है। और अभिशाप जहां पर होता है वहां पर हम कष्ट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम सेट को चेंज करना है। फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर हमें कंजक्शन इसमें क्या यूज करना है, दैट। दैट का यूज करना है। और फिर उसके बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस को हमें असर्टिव में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो और एक और चीज है इसमें, जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो उसमें मे जो शब्द होगा उसके लिए हम मे को माइट में चेंज कर देंगे। ये असर्टिव में भी होता है वैसे, मे को माइट में चेंज करना। तो अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे ये है माय मदर सेड मे यू गेट सक्सेस। अब हमें ये वाक्य को बनाने से पहले हमें ये पढ़ना है कि इसमें भाव क्या है, मे यू गेट सक्सेस। अब इसमें मदर जो है क्या कर रही है, ब्लेसिंग कर रही है। इसमें विशेष भी है कि मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिले। तो जब हम इसको बनाएंगे तो वही रूल्स फॉलो करेंगे, शेड को हम किस में बदलेंगे, विस्ट में, ठीक। और कंजक्शन क्या लगा दिया हमने, दैट। अब जो वाक्य को हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, इधर यू, और यू हमारा सेकंड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं है। तो या तो हम थर्ड पर्सन में मान लेते हैं या फिर यहाँ पर हम आई को मानेंगे, मींस यहाँ मी मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है यू, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, आई। और मे को हमने किस में बदला, माइट में, आई माइट गेट सक्सेस। क्लियर हो रहा होगा बच्चों। इसी तरह से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। द हर्मिट सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए यहाँ पर गॉड शब्द आया है,
जहां कहीं भी गॉड शब्द आता है तो हमेशा प्रेयर का यूज होता है, ये मैंने पहले बताया आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट को हम किस में बदलेंगे, प्रेड में, ठीक, और कंजक्शन कहलाएंगे दैट। अब यहाँ पर मैंने गॉड है इसलिए स्मॉल में नहीं किया है, वैसे जो दैट के बाद जब हम सेंटेंस को एक करेंगे कंजक्शन लगा के तो स्मॉल से हो जाता है, गॉड की वजह से नहीं किया है। तो द हर्मिट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, मी भी मैंने इसी ऑब्जेक्ट के रूप में लगाया है, इसलिए यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार ये हमारा सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मैंने इसमें मी में चेंज किया। यहाँ पर हम हिम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, कुछ इस तरह के भी बाकी होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो ग्रीटिंग या फेयरवेल को शो करते हैं। ग्रीटिंग फेयरवेल तो समझते होंगे, जैसे ग्रीटिंग्स में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे और हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस एक्सेट्रा, इस तरह से वर्ड होते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ये ग्रीटिंग को इंडिकेट्स करते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं इन वर्ड्स के साथ सैड को हम किस में चेंज कर देंगे, विस्ट में, क्योंकि जो ग्रीटिंग और फेयरवेल के जो शब्द होते हैं उनमें हमें चेंज करने में थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसमें हमें विस्ट का यूज नहीं करना है, जैसे गुड नाइट, गुड बाय और फेयरवेल एक्सेट्रा, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं लीव टेकिंग के लिए, मींस जो विदाई के लिए इंडिकेट्स करते हैं, उन वर्ड्स के साथ कभी विस्ट का यूज नहीं करते, वहां हम किसका यूज करते हैं, बेड का। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ, जैसे ये है शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अब देखिए गुड मॉर्निंग दिया हुआ है तो ये क्लियर हो रहा है ये हमारा क्या इंडिकेट्स कर रहा है, ग्रीटिंग को इंडिकेट्स कर रहा है। तो हम क्या बनाएंगे, शी विज्ड मी गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर हमने दैट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें केवल विशिंग वर्ड दिया हुआ है, कोई सेंटेंस नहीं बना हुआ है, केवल विशिंग वर्ड है, इसलिए दैट का हमने यूज नहीं किया। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, शी विज्ड गुड मॉर्निंग टू मी, सब्जेक्ट को हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, ठीक। एक और मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ही सेड टू हिज फ्रेंड हैप्पी क्रिसमस। आप देखिए इसमें भी विशिंग वर्ड ही है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इसी तरह से बनेंगे, ही विश्ड हिज फ्रेंड हैप्पी क्रिसमस। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था शी विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी, तो हम इसमें भी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं, ही विश्ड हैप्पी क्रिसमस टू हिज फ्रेंड्स। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ फेयरवेल वाला, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड बाय। तो इसमें हमें विस्ट का यूज नहीं करना, इसमें हमें सेड के स्थान पर क्या करना है, बेड का यूज करना है, ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो फेयरवेल या ग्रीटिंग्स के जो सेंटेंसेस ऑप्टेटिव में होते हैं वो हमें कैसे बदलने हैं। इसी तरह से कुछ और तरह के भी हैं, चेंज फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक्स और थैंक यू। जब ऑप्टेटिव सेंटेंस में कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द होता है या थैंक यू शब्द होता है तो हमें बाकी को किस तरह से चेंज करना है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द हो तो उसे हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड में चेंज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद ऑन, फिर उसके बाद हम किसी वर्ब का अब जेरेंड के रूप में या हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे किस तरह से चेंज करना है, ठीक। एग्जाम्पल, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गेट सक्सेस। अब देखिए ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन जो शब्द दिया हुआ है ये किस में, आर एस पार्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में है, तो
तो इसमें क्या होगा, सेट को हम पूरी तरह से ओमिट कर देंगे। सेट के स्थान पर हमें क्या करना है, इसमें कॉन्ग्रेचुलेटेड करना है। ठीक, अब ये जो वर्ड दिया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गेट सक्सेस, तो ये किसके लिए किया हुआ है, मुझे। तो हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऊपर दिया हुआ है प्लस ऑब्जेक्ट, तो यू को हमने किस में किया, मी में, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, प्लस ऑन किया हमने ऑन, उसके बाद ऑन गेटिंग सक्सेस। ओके, इसी तरह से थैंक्स और थैंक यू का होता है, इसको भी हम सेट के हटा करके हम इसको हम थैंक्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, ही सेड थैंक यू वेरी मच, तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे, ही थैंक्ड मी वेरी मच। यदि इसके आगे और भी कोई सेंटेंस होता तो इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक्स शब्द दिया होता है, तो बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें कैसे चेंज करना है। आगे कुछ और तरह के, जैसे कभी कभी सेंटेंसेस में स्ट्रॉन्ग डिजायर भी होती है, ऑपरेटिव सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग डिजायर को इंडिकेट करते हैं। जैसे कभी कभी आपने पढ़ा होगा, इफ आई वर अ वर्ड, इफ आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, ओ दैट, वुड दैट, ओ फॉर अ ड्रॉप ऑफ वाटर, काश मुझे एक पानी की बूंद मिल जाती। इस तरह के जो इमेजिनेटिव वर्ड होते हैं वो स्ट्रोंग डिजायर को इंडिकेट करते हैं। तो इसको बदलने के लिए, जैसा कि इसका नाम ही है स्ट्रोंग डिजायर, तो इसको भी हम सैड को इसमें किसमें बदलते हैं, विस्ट में चेंज करते हैं, और कंजेक्शन क्या लगा देते हैं, दैट। समझ आ रहा होगा, कंजेक्शन हम क्या लगाते हैं, दैट। और फिर क्या होता है कि जो वाक्य होता है, कौन सा वाक्य, जो शब्द होते हैं एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर, जैसे इफ, ओ दैट, वुड दैट, ये जो जो शब्द ऊपर दिए हुए हैं इस टाइप से, ये वाक्य में लगे हुए होते हैं, इन शब्दों को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और फिर वाक्य को हम क्या करते हैं, असर्टिव में चेंज कर देते हैं। जो वाक्य हमारा रिमेनिंग सेंटेंस रहता है वो हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। अब आपको ये चीज एग्जाम्पल से क्लियर होगी। जैसे सी सेड इफ आई वर अ लीडर, अब देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग डिजायर है, सी सेड, उसने कहा काश मैं एक लीडर होती। अब देखिए इसमें काश आया हुआ है, इसमें इमेजिनेशन है और स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको करेंगे विस्ट में, तो शी विस्ट दैट। अब जो इफ शब्द है वो हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, आई वर अ लीडर, हमारा वैसे भी असर्टिव भी हो गया, तो हम कंजक्शन दैट लगाया, और आई हमारा क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार बन लेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, शी, शी, और वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं, हैड बीन में, तो शी हैड बीन अ लीडर। इस तरह से बच्चों मैं आशा करती हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं वो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो आप अपनी बुक से एक्सरसाइज बनाना जिससे और भी क्लियर हो। और इस वीडियो का जो मटेरियल है वो मैंने पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके, थैंक यू।